अलायंसेज जारी हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ सिंध में जो तहरीक शुरू हो चुकी है, जो बलोचिस्तान में है। मैंने इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान का विजिट करना है, मैं सिंध में जाऊँगा और यहाँ लाहौर में भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं तहरीक लबैक से भी मुलाकात करूँ, ताकि ये जो रिगिंग हुई है ये इस कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और ये अवाम का हक है कि वो अपनी नुमाइंदगी और लीडरशिप चुने। ये बंद कमरा में फैसली नहीं हो सकती। ये मुल्क जो है ना, ये कानून और आईन हमें ये प्रोटेक्शन देती है कि हम आज़ादी राय हमारा कानूनी हक है, हमारा जो है ना फ्रीली मूवमेंट हमारा कानूनी हक है और पब्लिक का जो मैंडेट है आईन में उसको प्रोटेक्शन दी गई है। इसलिए इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम पूरा केस तैयार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और इसको उस केस को जो है ना हम अदालत से तवक्को रखते हैं कि इस वक्त अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जो इंसान हमारी जो एक शहरी को हकूक है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं होगा तो शायद ये बहुत बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि मैं आइन को बालादस्त रखूंगा, मैं किसी के साथ जो है ना, तो ये अभी टाइम है कि आपने अगर आइन को बचाना है तो ये टाइम है कि आप एक्शन ले। जो कमिश्नर ने जो इल्जाम लगाए उसके ऊपर इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करें। हम तो ये नहीं कहते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। मेहरबानी करें, पब्लिक मैंडेट की तोहीन होने से बचाएं। अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक्वामी हालात से यकीन के साथ।